संगीतमय वाइब्रेशंस में वाइब्रेट होते चले जाना, खूब छकना, खूब पीना इन वाइब्रेशंस को। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है। आपको देखने की कोशिश नहीं करना, ये स्वाभाविक है। जब तुम बाहर की आंखों में होते हो तो स्वाभाविक रूप में डायरेक्ट देखते हो। आपको किसी माध्यम की, किसी टेक्निक की, किसी मेथड की जरूरत नहीं है। कोई माध्यम नहीं चाहिए तुझको। बाहर की आंखों से बाहर के जगत को देखने के लिए जैसे कोई माध्यम नहीं चाहिए, ऐसे भीतर अपने को देखने के लिए कोई टेक्निक, कोई मेथड नहीं चाहिए। All methods and techniques are for concentration, not for meditation. Meditation does not require any technique or method. It's a direct watching process. You simply look, simply watch, simply see. Watch your mind, watch your thoughts. Simply watch. कहीं lost ना होना, कहीं identified ना होना, कहीं कोई तादात्म्य ना रखना। जागे जागे अपनी राह लेना। तुम केवल देखने वाले हो, देखते ही रहना। जागे जागे तेरे जागने मात्र से जो जो यूजलेस है, जो जो भी अननेसेसरी है, जो जो भी नहीं चाहिए, नेगेटिव है, वो अपने आप बदलता चला जाता है, अपने आप रूपांतरित होता चला जाता है, अपने आप डिसअपियर होता जाता है। आप डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस में रहना, बहुत शीघ्र तुम अपने आप को उपस्थित पाओगी। अभी तो विचारों की भीड़ में कहीं भी अपना पता आता नहीं लग रहा। जो ही तुम थोड़ा जागने लगते हो तुम्हें अपना पता लगता है। तुम हो कौन, ये गुत्थी सुलझती चली जाती है। केवल देखना बहुत आनंदपूर्ण है। बाहर के टेलीविजन को देखने में इतना आनंद नहीं जितना मन के, माइंड के टेलीविजन को देखने में है। तुम अपनी ही की हुई कृतियों पर मजाक उड़ाओगे। तुम स्वयं हंसोगे कि कितना डस्ट हमने इकट्ठा किया है, कितनी धूल, कितना कूड़ा करकट, कितना मलमल ढोया है, क्या क्या फीड नहीं किया हमने अपने चित्रूपी कंप्यूटर में, अपने चित्त में क्या क्या नहीं डाला, अपने माइंड को कितना अननेसेसरली फीड किया है। जिस दिन तुम व्रत उपवास करो, माइंड का करो, अपने चित्रूपी कंप्यूटर को कम से कम फीड करो, करो ही मत। जो ऑलरेडी फीडिंग हुई है, जो ऑलरेडी हमने दिया है, इसमें डाला है, उसको विदा करने की एकमात्र इस प्रक्रिया में उतर जाना। ये व्रत उपवास निराला है, वास्तविक है, रियल है। मन का भोजन कम से कम, मन को कम से कम फीडिंग, कम से कम फीड करना, कम से कम बोरो करना विचारों को, दूसरों के बारे में, दूसरों से आए हुए, दूसरों को बहते हुए, दूसरों के प्रति बहते हुए, इन तमाम विचार विकारों को विदा करने का व्रत लेना। ये उपवास ऊपर उठकर के रहने का फलित हो जाएगा। कम से कम फीड करना, अपने को देख लेना,
हम तुम्हें तुम्हारा अपना आप दिखाने आए हैं। अगर साहसपूर्ण देख लोगे तो एक दिन डिवाइन हो जाओगी, एक दिन असली इंसान हो जाओगी, तुम हो जाओगे जो होने को आए हो। अगर तुमने देखने का साहस किया, हिम्मत किया अपने भीतर की हर स्थिति को, अपने माइंड को हट करके माइंड से, माइंड के स्वभाव को जानने का एक कदम उठाया, थोड़ी प्यास उठाया, थोड़ी प्रायोरिटी प्रदान किया, तो एक दिन तुम भीतर के मास्टर होके रहोगे। मन बुद्धि इंद्रियां बॉडी का जो मास्टर है वही सिकंदरों का सिकंदर है, वही बादशाहों का बादशाह है, वही शहनशाह है, वही सारे के सारे संसार का मालिक है, वही एक मात्र मालिक है। इतनी बड़ी शिखा सुपर साइंस स्पिरिचुअल साइंस की तेरे रीढ़ की हड्डी में, तेरी बैकबोन में भरपूर समाई है। थोड़ी सी अपनी आंख अपने साथ जोड़ते ही, अपनी ओर मुड़ते ही तेरे हाथ लगती चली जाती है। लगातार जागी रहना, पल पल जागी रहना। जब जब माइंड के हाथ लगो, पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में झूलने लगाओ, एकदम आवाज आएगी, ये पुकार तुम्हें वापस बुलाएगी। शीघ्रति शीघ्र वर्तमान में, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में लौटते चले आना। तुम जागना, जागना जीवन है। केवल देखना ही तो है, क्या कठिन हो सकता है? जब बाहर को देखना स्वाभाविक हो गया है तो भीतर का देखना भी स्वाभाविक हो जाएगा। आप तनिक मात्र भी निराश ना होना। कभी भीतर मुड़के देखा ही नहीं, जन्म के पश्चात हम बाहर ही बाहर हो गए, अपना भीतर भूल गए, अपना स्रोत भूल गए, अपने मालिक को ही भूल गए। बार बार याद करता है, होठों से याद करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, भयवश लालचवश याद करते हैं, कोई प्रेम तो है नहीं। ये प्यार मोहब्बत का नगमा अपने हार्दिक भाव में उतरने देना। अपनी किवाड़ खोल लेना भीतर की, थोड़ा जाग करके लगातार अपनी ओर ध्यानस्थ अवस्था में जागे जागे देखती रहना। हर घटना को देखना, हर विचार को देखना, हर एक दृश्य को देखना, जो जो हो रहा उसी को देखना। अपनी ओर से कुछ कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, ये कंसंट्रेटिंग पॉइंट नहीं बनाना। मेडिटेशन इज नॉट ए कंसंट्रेशन, इट्स ए डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट एंट्री इनटू इनर प्लेन। आपके पास सक्षमता है, पोटेंशियल है इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने का, अपनी पोटेंशियलिटीज को उदय होने देना। एक्सपैंड योर अवेयरनेस। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना। नॉन डूअर हैं आप, माइंड इज ए डूअर, यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी। तुम अपने स्वभाव में रहना, माइंड के स्वभाव में लॉस्ट हो जाना, खो जाना, माइंड ही हो जाना, माइंड के स्वभाव को अपना स्वभाव समझना, यही अज्ञानता है। ये आइडेंटिफिकेशन ही एकमात्र अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, जिसने दिन रात तुझको दुखी कर रखा है, दिन रात तुझको मनोरोगी हृदय रोगी बना रखा है। एकमात्र माइंड के साथ जुड़ना, माइंड होकर के जीना, माइंड ही हो जाना, ये तेरी भूल एकमात्र तेरे भटकाव का कारण है। हटिए इस माइंड से, अपने स्वभाव में लौटिए,
Meditation will help you to be free from the mind very soon. It's a direct approach. It is the best medicine. Omkar, Amin, Amen. ये जीवन है एक बहती धारा, एक बहती धारा, ये जीवन है एक बहती धारा, ना घाट है ना बाट है, ना घाट है ना बाट है, ना कोई किनारा ना कोई किनारा, ये जीवन है एक बहती धारा, ये जीवन है सतत एक बहती धारा। बादल ही क्या जो बरस न जाए, वह बादल ही क्या जो बरस न जाए, वो पतझड़ ही क्या ऋतुराज न लाए, वो पतझड़ ही क्या ऋतुराज न लाए, वो बादल ही क्या, वह बादल ही क्या जो बरस न जाए, वो पतझड़ ही क्या ऋतुराज न लाए, चलनी का है आनंद जब विश्राम हो प्यारा, चलनी का है आनंद जब विश्राम है प्यारा, चलनी का है आनंद, चलनी का है आनंद जब विश्राम हो प्यारा, चलनी का है आनंद जब विश्राम हो प्यारा। माइंड का रिलैक्स्ड स्टेट, और माइंड को रिलैक्स्ड स्टेट नहीं दिया, रिलैक्सेशन का अवसर नहीं दिया, दिन रात माइंड चलता है और रात की नींद हराम कर देता है। अरे मेंटल तल के ऊपर कितना सोच विचार का ढेर, अरे कितना कचरा उठा रखा है, कितना कबाड़ उठा रखा है कि रात की नींद भी हराम कर रखी है, गोली खा खा करके नींद आती है, मनोरोगी होता जा रहा है। अरे विश्राम में, थोड़ा विश्राम में, थोड़ा अपने आप में, थोड़ा भीतर में, थोड़ा अपने स्वभाव में विश्राम पूर्ण हो जा। ये युक्ति, ये अप्रोच, ये दिशा देने आए हैं तुझको, जहाँ इतनी आपाधापी दौड़ धूप है बाहर की, थोड़ा टिक जा, थोड़ा रुक जा, थोड़ा अपने भीतर ठहर जा, कोई मनोरोग छू नहीं पाएगा, कोई हृदय रोग नहीं छू पाएगा, कोई किसी प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं, इतना बेप्रवाह होकर के जिएगा जब भीतर का बैलेंस, भीतर का संतुलन संभालेगा। इम्बैलेंस में पड़े तमाम केमिकल्स,
बैलेंस में होते चले जाते हैं, रूपांतरित होते चले जाते हैं, रूपांतरण की क्रांति उतने देना। कितना सुंदर कहता है, कितना गजब कहता है डॉक्टर क्लाउस, I'm neither changed nor converted, I am merely transformed. मैं रूपांतरित हुआ, मैं भीतर जागने लगा, मैं आजाद होने लगा, स्वतंत्र होने लगा, मैं भीतर का सेनेटर होने लगा, मैं भीतर का मालिक होने लगा। आई एम मेयरली ट्रांसफॉर्म्ड, नाइदर चेंज्ड नॉर कन्वर्टेड। क्या गजब, चलनी का है आनंद जब विश्राम हो प्यारा, चलनी का है आनंद जब विश्राम हो प्यारा, ये जीवन है एक बह की धारा, ये जीवन है एक बह की धारा, ना काट है ना बाट है, ना घाट है ना परम गंगा है, ना घाट है ना बाट है, ना कोई किनारा ना कोई किनारा, ये जीवन है एक बह की धारा, जीवन है एक बहती धारा। जैसी झरना पर्वत में एक झील बनाता, जैसी झरना पर्वत में एक झील बनाता, जैसी झरना जैसी झरना पर्वत में एक झील बनाता, तैसी गुरु को पाकर शिष्य मंजिल को पाता, 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 जग में सबसे प्यारा, जग में सबसे प्यारा सदगुरु हमारा, जग में सबसे प्यारा वो दोस्त हमारा, सबसे प्यारा वो दोस्त हमारा, जग में सबसे प्यारा वो सच्चा यार, वो यार सच्चा यार हमारा, जग में सबसे प्यारा वो यार हमारा, जग में सबसे प्यारा सदगुरु हमारा, जग में सबसे प्यारा सच्चा यार हमारा, जग में सबसे प्यारा वो यार हमारा, जग में सबसे प्यारा सदगुरु हमारा,
जगपुरुष हमारा, जगपुरुष हमारा। कोई जगपुरुष मिल जाए, उसका सानिध्य, उसकी संगति, उसकी महफिल मिल जाए, तो फिर कछु पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, फिर कोई पठन पाठन नहीं रहता। बाबा रामकृष्ण के पास पहुंच करके नरेन सब किताबें भूल गया, सब भीतर बाहर भूल गया। एक नया पृष्ठ खुला, एक नया पाठ उतरा, एक नया पृष्ठ, नया पेज खुला जीवन का। बाबा ने भी कभी नहीं कहा, नरेन तू FSC पूरी करके आ, अपनी डिग्री पूरी करके आ, अपनी डिग्री क्यों छोड़ के आता है। बाबा ने उस तरफ नहीं लगाया। क्या गजब कहते हैं छोटे से बालक नानक, अरे मुल्ला, अरे पंडित जी, अरे ओ स्कूल के टीचर्स, मास्टर्स, किताबी लोग, मेरा पठन पाठन तब शुरू करना, पहले मेरे सवाल का जवाब देना। मेरा बचपन, मेरा बालपन, मेरी चाइल्डहुड बहुत बहुत निराली है, बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, अद्वितीय है, बहुत अमूल्य है। पंडित जी, मुल्ला जी, बहुत अनमोल सांस, बहुत अनमोल क्षण, बहुत अनमोल पल है मेरे बचपन, मेरे बालपन की। यूं ही ना गवा देना किताबी ज्ञान में, गर आपकी पढ़ाई में परमात्मा मिलता है, आपके पठन पाठन में मालिक मिलता है, परमात्मा मिलता है, प्यास उठती है, तो मैं तैयार हूं आपके पास बैठ करके, आपके सानिध्य में बैठ करके पढ़ने को पूरी तरह तैयार हूं। अगर तुम्हारे पठन पाठन में परमात्मा नहीं, तुम्हारे पठन पाठन में प्यास मालिक की नहीं, तुम्हारे पठन पाठन में कोई पाठ भीतर का नहीं, तो मेरा बचपन खराब करने की कोशिश मत करना, मेरे बचपन को एक्सप्लॉइट ना करना, शोषण ना करना। दूसरा क्वेश्चन है, मुल्ला जी, पंडित जी, मेरे टीचर वर्ग, मेरा अध्यापक वर्ग, मेरे मास्टर जी, अगर आपके पठन पाठन में परमात्मा उतरता है तो क्या आपको मिल गया है, क्या आप मुलाकात कर चुके हो, क्या आपको मिला है? अगर मिला है तो मैं कुर्बान, मैं आपका गुलाम, और अगर नहीं मिला तो मेरा बचपन खराब ना करिए। मेरे बचपन के एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक अनमोल श्वास को इन किताबों में मत उलझाइए। मुझे वह किताब पढ़ाइए जिसमें परमात्मा उतरता है। कोई जागा पुरुष, तत्व के पुरुष, एनलाइटेंड मिल जावी, अगर कोई किसी भी कदम पर तुम्हारी मुलाकात हो जाए उससे, तो कुर्बान हो जाना, अवसर चूकना नहीं। वो कोई किताब नहीं थमाएगा तेरे हाथ में, कोई पाठ नहीं थमाएगा तेरे हाथ में, कोई स्मरणी नहीं पकड़ाएगा तेरे हाथ में, वह तेरे हाथ में तुझको ही थमा देगा, वो विराट थमा देगा तेरे हाथ में। सीधा सीधा पीने पिलाने का सब्जेक्ट उठेगा, पठन पाठन नहीं, पीने पिलाने का सब्जेक्ट उतरेगा, पीने पिलाने का दौर उतरेगा। ओ लहना तूने लेना ही लेना, और मैंने देना ही देना। पीने पिलाने का दौर है स्पिरिचुअलिटी, पीने पिलाने का मैकदा मैखाना है स्पिरिचुअलिटी, डायरेक्ट पीना पिलाना होता है। नरेन पी गया, बाबा को पी गया, और बाबा ने भी नरेन को एक बार नहीं कहा जा पढ़ाई पूरी कर गया, नहीं। आज दुनिया भर के पढ़े लिखे लॉरिएट, लर्नर्ड विवेकानंद को पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े लॉजिशियन, बड़े बड़े फिलोसफर उसकी फिलोसफी को पढ़ते हैं, जो स्वयं FSC पूरी नहीं था, जो स्वयं बाहर के पठन पाठन में 11-12 वर्ष गुजार करके पश्चाताप करता है,
मैं 17 वर्ष का हो गया, बाबा मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, मेरा 17 वर्ष गुजर गया, मैं 17 वर्ष की आयु में उतर रहा हूँ, 17 साल मेरे हाथ से गुम हो गए, 17 साल में मुझको कहीं कोई किसी प्रकार का किनारा ना मिला, पहली बार तेरे द्वार पर तालमेल बैठा, तेरे द्वार पर स्थिरता आई, तेरे द्वार पर टिकाव आया, तेरे द्वार पर तालमेल बैठा, पीने पिलाने का दौर चला। फिर कोई किसी प्रकार का पठन पाठन नहीं रह जाता, कोई ट्रेनिंग नहीं रह जाता, कोई क्लासेस नहीं लगती, जीने का ढंग, जीने की कला पैसे से नहीं मिलती, ट्रेनिंग से नहीं मिलती, डेमोंस्ट्रेशन से नहीं मिलती, ये किसी प्रकार की भी क्लासेस नहीं, कदाचित नहीं मिलती, अगर क्लासों से मिलती तो नानक को पहले मिलती, तुम प्रहलाद को पहले मिलती, मीरा सहजो राबिया को, इंदुमती गार्गी को, माँ गुजरी को पहले मिलती। नाम है प्यारा, नाम है प्यारा, नाम है प्यारा मेरे मुर्शिद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना, जब मुर्शिद मिला तो क्या हुआ, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, नाम है प्यारा, नाम है प्यारा मेरे बाबा का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान है खजाना मस्ती का, आनंद का, बेप्रवाही का, एनर्जी का, ऊर्जा का, ध्यान खजाना आनंद का, ध्यान खजाना आनंद का। सदगुरु ने दिया ध्यान खजाना आनंद